तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को दिल खोल के स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल M क्लासेज में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि NCERT न्यू सिलेबस क्या है बच्चों फिजिक्स का, जिसको आप 2023 और 2024 सेशन के अंदर पढ़ने वाले हो। तो पहले बच्चों मैं आपको बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो सभी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है जिनके बोर्ड में NCERT सिलेबस चलता है। तो आज हम फिजिक्स के सिलेबस की बात करेंगे कि 12th क्लास में फिजिक्स में के अंदर से क्या तो हटा और बच्चों क्या बचा। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है बच्चों, वो बनाई है मैंने केमिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो भी आपके लिए जरूरी है। केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहेगा इस बार, ये भी आपको देखना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे इसके अंदर सिर्फ फिजिक्स के सिलेबस की, फिजिक्स के अंदर से क्या हटा और क्या बचा। बच्चों कैसा रहा सिलेबस का स्टैंडर्ड, इस बार क्या रहने वाला है, क्या हार्ड है सिलेबस, क्या इजी है, सब चीजों को हम डीपली समझने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो हमने धमाल कर दिया, क्या कमाल किया, क्या धमाल किया है हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको पता ही होगा, इस साल थे आपके 14 यूनिट थी फिजिक्स के अंदर, दो बुक थी फिजिक्स की। अब 14 चैप्टरों में से किस चैप्टर में से क्या क्या हटाया उनको हम देखने वाले हैं। तो देखिए यार, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा NCERT फिजिक्स न्यू सिलेबस 2023 और 2024। तो बच्चों जो आपका पहला चैप्टर था वो था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसके अंदर से क्या हटाया है, एक तो हटा दिया विद्युत दर्शी, चालक तथा विद्युत रोधी हटा दिया, प्रेरण द्वारा आवेशन। जो बच्चों विधियां थी तीन, चालक चालन विधि थी आपकी है ना, प्रेरण विधि थी और आपकी क्या थी घर्षण विधि थी। तो उसमें से ना प्रेरण द्वारा आवेशन विधि को हटा दिया गया है, दो विधि आपको सिर्फ इस बार पढ़नी है। ठीक है, बात करें बच्चों प्रश्न, जो आपके बुक के प्रश्न है उनको भी बच्चों हटाया गया है। कौन कौन से प्रश्न हटाए गए हैं पहले चैप्टर में से सुनना, 1.13, 1.25 और 1.34 वाले जो प्रश्न थे तीन उनको हटा दिया गया है। आपको इस बार ये चीजें नहीं पढ़नी बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर सेकंड की। तो नाम है चैप्टर का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इसके अंदर संधारित्र में संचित ऊर्जा की जो व्युत्पत्ति है, जो डेरिवेशन है बच्चों, वो हटा दी गई है। और बात करें अभ्यास प्रश्न 2.12 और 2.36 इनको भी हटा दिया गया है। आपका जो तीसरा चैप्टर था वो था विद्युत धारा। तो इसके अंदर से बच्चों क्या क्या हटा है सुनना, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, जैसे कि कार्बनिक प्रतिरोधक वर्ण कोड, इसको हटा दिया गया है। प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन पढ़ा होगा बच्चों आपने, श्रेणीक्रम और समांतरक्रम दोनों ही संयोजन इस बार आपको नहीं पढ़ने। इसके अंदर से और क्या हटा है बच्चों, और जो आपका उदाहरण है बच्चों 3.5 वो आपका हटा दिया गया है। बात करें मीटर सेतु की तो मीटर सेतु हटा दिया गया है, व्यो मापी भी हटा दी बच्चों, खेल ही खत्म है सब चीज का है ना, जीवन कुछ बचा ही नहीं है, सब हटा दिया उन्होंने, क्या पढ़ोगे फिर है। अभ्यास प्रश्न कौन कौन से, 3.3, 3.4, 3.10, 3.12, 3.14 और 3.23 ये आपके अभ्यास प्रश्न हटा दिए गए हैं। बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की। तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर का नाम है। इसके अंदर से वेग वर्णकर्ता जो आपका टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। साइक्लोट्रॉन, यार जिंदगी में इसी में तो हम घूमते थे इस चैप्टर में है ना, चैप्टर नंबर 4 में तो हम साइक्लोट्रॉन के अंदर घूमते थे यार, इसको हटा दिया है ना। टोरॉइड हटा दिया भैया, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण जो हम निकाला करते थे वो भी हटा दिया। अभ्यास प्रश्न 4.14, 4.28 इसको भी हटा दिया। बात करें हम यूनिट नंबर 5 बच्चों, यूनिट नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, उसके अंदर से ना काफी चीजें हटा दी है, अब तो इसको ना बिल्कुल हलवा बना दिया आपके लिए है ना। सुनना कैसे, इसमें हटाया छड़ चुंबक का एक धारावाही परिनलिका की तरह व्यवहार, जो गणितीय आपका विवेचना थी इसके अंदर उसको कंप्लीट को हटा दिया गया है। आगे बात करें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, इसको जो गणितीय विश्लेषण था बच्चों उसको भी हटा दिया गया है ना। बात करें उदाहरण नंबर 5.4 की, इसको भी हटा दिया।
और बात करें चुंबक के दिक्पात और नति कोण। बच्चों दो प्रकार कोण पढ़ा करते थे चैप्टर में, दिक्पात कोण और नति कोण, दोनों कोणों को इस बार हटा दिया गया। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, आसान टॉपिक था बच्चों, लेकिन हटाने पर मर्जी है उनकी, कुछ भी कर सकते हैं वो, है ना। अणु चुंबकत्व, अणु चुंबकत्व के अंदर से जो क्यूरी का जो नियम पढ़ते हैं मैडम क्यूरी का, उसको बच्चों हटा दिया है, दोनों ही नियम हटा दिया बच्चों, क्यूरी का नियम भी हटा दिया और लौह चुंबकत्व में क्यूरी ताप का नियम भी हटा दिया। और जो चुंबक के शैथिल्य हुआ करता था, शैथिल्य ऐसा बीएच वक्र से हम नाम दिया करते थे बच्चों, उसको इस बार रिड्यूस कर दिया, हटा दिया भैया। आगे स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक, इसको भी हटा दिया। अभ्यास प्रश्न 5.1, 5.2, 5.9, 5.1, 5.13 और 5.11, 5.13, 5.25, इसको हटा दिया। अरे फिर सब कुछ ही हटाना था इस चैप्टर को यार, हटा देते छोड़े क्यों है इसको, थोड़ा बहुत भी है ना, पूरा हटा दिया भाई, लगभग पूरा 20-25% बचा है मेरे हिसाब से तो, है ना। अब देखो अगला यूनिट नंबर 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके अंदर क्या क्या हटा है बच्चों सुनना ध्यान से। ऊर्जा दृष्टि परिणात्मक भंवर धाराएं हटी है, मतलब ऊर्जा दृष्टि परिणात्मक एक अलग टॉपिक है, भंवर धाराएं एक अलग टॉपिक है बच्चों, इन दोनों टॉपिकों को हटा दिया गया। जब आप फैराडे और लेंज का यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हो बच्चों, उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। इस बार आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम लेंज के नियम में नहीं पढ़ना बच्चों, है ना। और जो अभ्यास प्रश्न है 6.6, 6.10 और 6.17, इसको भी हटा दिया गया है। बात करें हम यूनिट नंबर 7 की, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम नाम देते थे एसी, है ना। तो इस एसी की क्या ऐसी तैसी करी गई है वो सुन लो भाई ध्यान से, ठीक है। तो इसके अंदर से किसी प्रेरक का चुंबकन एवं विचुंबकन जो टॉपिक हुआ करता था बच्चों, उसको हटा दिया गया है। एक संधारित्र का आवेशन एवं निरावेशन, हम पढ़ते थे कोई संधारित्र है उसको हम आवेश कैसे देंगे, तो उसका उस पर आवेश कैसे आएगा, उसे हम डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं, ये टॉपिक हम पढ़ा करते थे संधारित्र के अंदर बच्चों। इस टॉपिक को बिल्कुल हटा दिया गया है, लेकिन याद रहे बच्चों संधारित्र को नहीं हटाया, संधारित्र का आपको प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है विश्लेषणात्मक हल, जिसके अंदर जो एलसीआर परिपथ हुआ करता था बच्चों, उसको कंप्लीट को हटा दिया गया है, सिर्फ एलसीआर परिपथ को, एलआर और सीआर का अभी भी बाकी है। अनुनाद की बात करें, केवल अनुनाद की तीक्ष्णता को हटाया है बच्चों, ऐसी दोलन को भी हटा दिया गया है। जो अभ्यास प्रश्न है 7.6, 7.8, 7.10, 7.12, 7.26, इनको भी हटा दिया गया है। बात करें हम यूनिट नंबर 8 की, इसके अंदर जो चैप्टर का नाम होता है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगें, एक छोटा सा चैप्टर था बच्चों, छोटा सा। इसके अंदर से क्या क्या आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति, केवल इथर परिकल्पना, और जो प्रश्न नंबर है आपके 277। कहने का मतलब ये है, जो प्रश्न नंबर जो आपका किताब का 277 होगा बच्चों एनसीईआरटी बुक का, है ना, उसमें से 277 पेज इस बार आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, इसका मतलब ये है। अब उदाहरण कौन कौन से है, 8.4, 8.5, इनको हटा दिया गया है। और जो अभ्यास प्रश्न है 8.11 और 8.15। तो अभी तक हमने बात की है यूनिट 8 तक, अभी कितने यूनिट बचे हैं बच्चों, 6, अब उनको हम देखने वाले हैं। बात की जाए यूनिट नंबर 9 की, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकीय यंत्र, इसके अंदर से बच्चों जो अपवर्तन के अंदर सूर्य उदय, मतलब सूर्य से पहले सूर्य उदय क्यों होता है और सूर्य छिपने के बाद सूर्य क्यों नजर आता है, ये वाली जो घटना है उसको कंप्लीट को हटा दिया गया है बच्चों। और मरीचिका का जो प्रभाव था कि गर्मियों के दिनों में हमें जलाशय का अनुभव क्यों होता है, उस वाली हेडिंग को भी हटा दिया। यहां से हीरा को भी हटा दिया है। बात करें सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, उनको भी हटा दिया। इसके अंदर इंद्रधनुष को हटा दिया है, प्रकाश का प्रकीर्णन को हटा दिया, और जो अभ्यास नंबर है आपका 9.18 क्वेश्चन है, उसको भी आपको इस बार नहीं करना है। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 10, इसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। इसके अंदर बच्चों जो डॉपलर का जो प्रभाव, मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग थी बच्चों इस चैप्टर के अंदर, लेकिन इस बार आपको ये भी नहीं पढ़नी है ना, एनसीईआरटी वालों ने ना बस पूछे मत, ऐसा सिलेबस किया है कि बच्चे आधे अधूरे ज्ञान में रहेंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर 10.1, ये भी नहीं करना आपको। प्रकाश के तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, इसके अंदर बच्चों सुनना ध्यान से,
केवल एदित तथा दित फिंजो के व्यंजक को रखा गया है, जो व्यंजक इनके सूत्र है जो उसको रखा गया है, और जो इनकी व्युत्पत्ति है निकालने की उसको हटा दिया गया है, और जो फिन चौड़ाई का जो फॉर्मूला आया करता था बच्चों उसको भी इस बार हटा दिया गया है, मतलब वो आपको डेरिवेशन करनी नहीं है। ठीक है, विवर्तन केवल गुणात्मक अध्ययन को रखा गया है, शेष हटा दिया गया है। बात करें बच्चों और प्रकाशिकी यंत्रों की जो विभेदन क्षमता थी उसको भी हटा दिया, परावर्तन के द्वारा जो ध्रुवण हेडिंग है उसको भी हटा दिया, और जो अभ्यास प्रश्न है 10.7 और 10.21 इसको भी इस बार हटा दिया। तो कहने का मतलब चैप्टर नंबर 10 है, काफी लंबा चैप्टर था बच्चों, इसमें से काफी चीजों को इस बार हटा दिया गया है, तो चैप्टर को 70-75% के आसपास कर दिया है इस बार। ठीक है, बात करें हम यूनिट नंबर 11 की, नाम है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। इतना बड़ा चैप्टर नहीं था बच्चों, छोटा सा ही चैप्टर था ये, लेकिन इसके अंदर से भी काफी चीजों को हटाया गया है। सुनना क्या था, जो आपके सामने 11.1 है उसको हटा दिया गया है, उदाहरण नंबर 11.3 है उसको हटा दिया, और आगे द्रव्य की तरंग प्रकृति केवल एक त्वरित की देह भौगोलिक तरंग दैर्ध्य की व्युत्पत्ति और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत इसको हटा दिया गया है बच्चों। डेविसन जर्मन के प्रयोग को इस बार हटा दिया, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक था बच्चों, अच्छा टॉपिक था, लेकिन इस बार आपको नहीं पढ़ना। बात करें अभ्यास प्रश्न 11.5, 11.7, 11.12, 11.14, 11.16, 11.17, 11.19, 11.37 इसको भी बच्चों इस बार आपको नहीं पढ़ना है। और आगे तरंग तथा कण के उलट पलट का जो इतिहास था बच्चों उसको इस बार आपको नहीं पढ़ना। आगे चलते हम बात करते हैं यूनिट नंबर 12 की। यदि बच्चे यार वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना, तो वीडियो प्लीज आप शेयर जरूर कर देना, जिससे कि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सके। नाम है परमाणु एटम। तो बच्चों इसके अंदर से क्या क्या हटा है सुनना, स्पेक्ट्रम में जो श्रेणियां है उसको हटा दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, अब बोर मॉडल के अंदर किसको हटाया है सुनना ध्यान से, किसको रखा है बच्चों, केवल एनवी कक्ष की त्रिज्या का व्यंजक को बनाए रखा गया है, जो एनवी कक्षा में आप त्रिज्या का फॉर्मूला निकालते हैं बच्चों उसको करना है, और उसकी जो व्युत्पत्ति है उसको हटा दिया, मतलब फॉर्मूला याद रखना है जो उसका डेरिवेशन आया करता था उसको आपको नहीं करना है इस बार। हाइड्रोजन परमाणु का लाइमन स्पेक्ट्रम केवल गुणात्मक अध्ययन को बनाए रखा गया है। बात करें उदाहरण नंबर 12.6 इसको भी हटा दिया गया है, जो अभ्यास प्रश्न है 12.3, 12.11 और 12.17 इसको भी बच्चों इस साल हटा दिया गया है। बात करें यूनिट नंबर 13 का नाम है नाभिक न्यूक्लियर फिजिक्स। सुनना बच्चों इसके अंदर से क्या क्या हटा है, रेडियो एक्टिविटी 6 का जो नियम है बच्चों जो रदरफोर्ड सोडी ने दिया था उसको बच्चों इस साल हटा दिया गया है, जो आपके 6 कणों के अल्फा 6 बीटा 6 गामा 6 इसको भी हटा दिया, नाभिकीय रिएक्टर जो नाभिकीय भट्टी थी आपकी बच्चों उसको भी हटा दिया गया है। तो बचा क्या है जीवन में भाई, सब कुछ हटा दिया इन लोगों ने। अभ्यास प्रश्न 13.1, 13.2, 13.6, 13.10, 13.12, 13.14, 13.18, 13.22, 13.21, 13.21 इस बार इनको भी हटा दिया गया है। अब हम लास्ट यूनिट की ओर बात कर लेते हैं बच्चों, यूनिट है आपकी 14, नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। इसके अंदर से क्या क्या आता है बच्चों सुनना ध्यान से, विशिष्ट प्रायोजन पीएनसी ने जो डायग्राम की हेडिंग है बच्चों उसको हटा दिया गया है, अंक इलेक्ट्रॉनिक की तथा तर्क जो गेट है आपके लॉजिक गेट जो आप गेट पढ़ते हो 5 प्रकार के और एंड नॉर इन गेटों इनको भी हटा दिया गया है, और अभ्यास प्रश्न 14.7, 14.15 इनको भी बच्चों हटा दिया गया। तो एनसीईआरटी ने ना हमको क्या समझ लिया है, बिल्कुल कमजोर समझ लिया, तो काफी चीजों को हटा दिया है बच्चों। ये सिलेबस रहेगा आपका 2023 और 2024 के लिए। बच्चों ये जानकारी आपको कैसी लगी, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को तो आप लाइक कर ही दोगे, उम्मीद है सभी बच्चे वीडियो को शेयर भी कर देंगे। तो यदि आपका कोई भी डाउट है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें छाप सकते हो। तो यार जिसको ये वीडियो चाहिए कि सर हम नया सिलेबस कहां से डाउनलोड करें, तो उसके लिए मैं वीडियो लाने वाला हूं बच्चों, उसमें मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा कि आप एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस
कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो उस वीडियो आप तक पहुंच पाए इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को प्रेस भी कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ पाए। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।